मिश्रा जी से बात शुरू करते हैं, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलेगी, क्योंकि राजनीतिक मित्रों की एक अपनी धारा होती है। मिश्रा जी, जी पीछे पीछे बुलडोजर और आगे आगे लोग, कोई जिला नहीं जहां से धूल धक्कड़ और हल्ला हंगामा न की फोटो वीडियो ना आ रहा हो कि इधर गिराया उधर गिराया, ये गिरा वो गिरा है, बद्दो का गिरा के मुख्तार का गिरा के अतीक का गिरा के किस किस का। तो बुलडोजर तो भाई मुझे लग रहा अभी स्थायी हो गया उत्तर प्रदेश में, राजनीति में बुलडोजर अब जाने वाला नहीं, क्या लगता है मिश्रा जी? अमिताभ जी जो डिबेट के शुरुआती दौर में प्रसंग व्यक्त करते हुए जो आपने बोला कि बुलडोजर आज एक ब्रांड बन गया है, ये बड़ी अनोखी चीज है। और मैं आपको बताता हूँ, भारतीय इतिहास में हजारों साल की जो हमारी सभ्यता है उसमें ये बड़ी अनोखी चीज है कि न्याय व्यवस्था की प्रतिस्थापना में बुलडोजर का महत्व, जिस न्याय की स्थापना बड़ी बड़ी सरकारें और न्यायालय लगे रहते थे, जज होते थे, वकील होते थे, दसियों साल तक जो है प्रक्रिया चलती थी, सुप्रीम कोर्ट तक जाता था और न्याय नहीं मिल पाता था, वो न्याय बुलडोजर जो है तुरंत कर दे रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें बनती किसी और चीज के लिए है लेकिन वो प्रसिद्धि जो पाती है या उनका बखूबी उपयोग किसी और चीज में होता है। इसका लाइव एग्जाम्पल बुलडोजर है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि माफियाओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जिस पुलिस भी कई बार जाती थी, 10, 20, 100, 150 के जो है उसमें संख्या में पुलिस जाती थी, पत्थरबाजी होती थी, पुलिस भी लौट आती थी, लेकिन बुलडोजर का भय ऐसा है कि गुंडों बदमाशों की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं, कोई पत्थर वगैरह जो है नहीं चल रहा है। तो कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि त्वरित न्याय की जो प्रक्रिया है, इतनी सटीक और त्वरित न्याय की प्रक्रिया बुलडोजर से कभी हो सकती है? मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में क्लास फिफ्थ में यूपीएससी वगैरह में एक निबंध आएगा कि न्याय व्यवस्था की प्रतिस्थापना में बुलडोजर का महत्व क्या है, इस पर 250 शब्दों में या 3000 शब्दों में निबंध लिखिए। एक सवाल और आएगा, सुन लीजिए, वैकल्पिक, चार विकल्प होंगे। बुलडोजर वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कभी ऐतिहासिक चीज जब ये होगी, योगी आदित्यनाथ, योगी देवनाथ, फलाने नाथ, फलाने नाथ। तो बुलडोजर का जो ये उपयोग किया गया है ये बहुत ऐतिहासिक है और ये जनता का अधिकार है। देखिए, जनता को क्यों समर्थन मिल रहा है, जो आपने बोला कि ये एक मुद्दा था, न्याय एक ऐसी चीज है जिसको कि पीड़ित पक्ष त्वरित पाना चाहता है और बिना किसी खर्चे के पाना चाहता है। बुलडोजर से जो न्याय मिल रहा है उसने पुरानी वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के समानांतर एक त्वरित न्याय व्यवस्था खड़ी कर दी है। ठीक बात मिश्रा जी, तो क्यों नहीं जनता इसको लाइक करे? मिश्रा जी आएंगे दोबारा, एक सवाल मैं एक मिश्रा से ले लूं, बड़ा लेमेन का सवाल है, इसमें कतई में बौद्धिकता नहीं लाना चाहता मिश्रा जी है। एक बात सुधा जी ने उठाई और ये बात उठती है जब भी कोई सरकार होती, उठती भाई अपने को बचा रहे हो, दूसरे पे कानून लागू करा रहे हो। मैं एक बिल्कुल आप समझ लीजिए एक उत्तर प्रदेश का ठेठ सामान्य व्यक्ति के तौर पर एक कहता हूं, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहे है? कोई सरकार हमेशा तो रहती नहीं, अभी भाजपा इनकी विनीत की सरकार है क्या? ये सपा बसपा कांग्रेस और रालोद के जितने गड़बड़ हैं उन सबको दुरुस्त कर दे, जब उनकी आए तो वो इनको कर दे, 10 साल में सब साफ, उत्तर प्रदेश क्लीन हो जाएगा। मिश्रा जी नहीं, काहे को लट्ठा पलट्ठा करो, कम से कम वो भाई उत्तर प्रदेश का तो शुद्धिकरण हो ही जाएगा, नहीं अपनी अपनी लिस्ट बना के रखो। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर इस तरीके का कंपटीशन शुरू होता है तब तो ये एक ऐसा कंपटीशन होगा, कार्य पद्धति होगी जिसमें भलाई केवल और केवल देश का होगा, लेकिन ये लोग करते नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये होता है हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम जिसने किया उसको श्रेय मिलेगा और मैं तो स्वागत करता हूँ। आगे अगर सपा की सरकार आती है तो कोई भाजपाई गुंडा या कोई भाजपाई नेता का अतिक्रमण है तो वो पहले दिन से उसको गिराना शुरू करे, शुभ काम में देरी क्यों होनी चाहिए? और मैं तो ये भी बोलता हूं कि कोई भी जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, कितनी मजारे सड़कों पे बनी रहती हैं, अवैध तरीके से बाजारों में जो है लोग कब्जा किए रहते हैं, तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी वाले आज से ही करें, बोले इनको तो पता होगा भाई हमारे फलाने नेता का यहाँ पे अवैध बना है, तो ये अपनी सरकार आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज ही जा करके ये सरकार को नोटिस दे
जनता के उसमें ले आए, जो विभाग के अधिकारी हैं जी उनको चिन्हित करें कि भाई ये जो बिल्डिंग्स है ये अवैध कब्जे में है, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर इतनी बड़ी जन चेतना हमारे राजनीतिक पार्टियों में आ जाए, विपक्ष में आ जाए। एक मिश्रा बिल्कुल, एक मिश्रा जी, मैंने ऐसी हुकूमतें देखी और ऐसे सियासतदान देखे, सुधा जी आप भी सुन लो, ये चीजें काम आएंगी। वो गाड़ी के काफिला चला, गाड़ी से उतरे, कहीं एक जो जगह पर मान लगा रोको, मुआयना किया, चश्मा उतारा, देखा जमीन कैसी है, क्या साथ में अधिकारी भी चल रहे हैं, झोला पकड़, क्या बोले भाई ये जमीन कैसी है, बोले जी नजूल की है, समाज कल्याण की है कि प्रधान ग्राम पंचायत की, जो भी बताया उनने, बोले ना इसकी व्यवस्था कराओ, क्या जितने में उन्होंने हाथ ऐसे कर दिया उतनी जमीन उनकी हो गई, क्या कागज पत्र बनाना अधिकारियों की जिम्मेदारी, या बनाए या मरे। मैंने देखा सुधा जी, ये प्रदेश बड़ा गजब है, यहां बड़े अगर जी मुझे कारनामे हो जाते थे। मिश्रा जी ये प्रक्रिया तो बंद होनी चाहिए। आपने सही बोला, ये प्रदेश बड़ा गजब का है, और इस प्रदेश में एक नारा था, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारा भी यहाँ पे चल निकला था इसी चक्कर में। ये जो माफिया है, देखिए साहब है क्या, जैसे भगवान विष्णु ने ढाई पग में नाप लिया तीनों लोग, ये एक एक पग में जो जमीन इनको पसंद आती थी ये नाप लेते थे इस तरीके से। और जो समाजवादी पार्टी के जो इनको मास्क कर रहे थे, इनके फेवर में बोल रहे थे, मैं आपको बोलता हूं ये जितने माफिया हैं ये पूरे कारपोरेट मैनर में काम करते थे। सवाल ये नहीं है कि आपने पार्टी से निकाल दिया और समस्या का समाधान हो गया, पार्टी से निकाले जाने के बाद इनकी माफियागिरी, इनकी दादागिरी, कब्जागिरी में कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं आई है। इनका समूल नाश तभी होता है जब इनके कारपोरेट ऑफिस को जमींदोज किया जाए, ध्वस्त किया जाए, इनको जड़ से हटाया जाए, नहीं तो ये रक्त बीज की तरह पनपते रहते हैं। तो रक्त बीज का संहार जिस बड़े विशेष तरीके से किया गया था, ये तरीका एकदम सटीक है कि पहले इन माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, ताकि ये जो नीचे और नए नए लोगों को माफिया बनाते रहते हैं वो तो रुके, अर्थबल को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा। इसीलिए सरकार माफिया के ऊपर कार्रवाई भले बाद में करे, वो न्यायिक प्रक्रिया है, जेल वगैरह चलता रहेगा। पैरलर में जो सबसे तेजी से चल रहा है, इनके अर्थतंत्र को खत्म किया जा रहा है। माफिया का सबसे बड़ा बल उनका अर्थतंत्र होता है। वो तोते में जान जो होती है ना, वो उसकी जान जो कहीं और रहती है, वो इनके अर्थ अर्थ ये ऐसे तोते हैं, जान तोते में। ठीक है, समय कम है, मैं छोटा सवाल